हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको देखिए तो हम ये 12th की बायोलॉजी है उसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उस पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो चैप्टर है उसका हम आज आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। और आज का जो ये पार्ट होगा आपका, जान लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये आपके यहाँ एग्जामिनेशन में, जान लीजिए, एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूण का विकास के सचित्र वर्णन कीजिए। कैसे क्या हुआ करता है, भ्रूण का डेवलपमेंट हुआ करता है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में कल हमने क्या किया था, निषेचन और द्विनिषेचन पढ़ लिया था, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन भी, जान लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको आप बढ़िया सा एक नोट्स बनाएं और लिखें कॉपी में। और आज हम जो बता रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब कल मैंने बताया था कि पौधों में क्या होती है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड में कुछ क्या होता है, परिवर्तन आता है। जैसे पुष्प में क्या हुआ करता है, जब परागण की क्रिया और निषेचन की क्रिया होती है तो पुष्प में भी परिवर्तन, आपको मैंने बताया था, चेंज ऑफ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पौधों में भी क्या हुआ करता है, परागण की क्रिया या निषेचन की क्रिया के बाद पुष्प में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वैसे ही आपको बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, बीजांड में भी क्या हुआ करता है, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलता है। बीजांड के अंदर दो कोशिकाएं सबसे मेन थी, जैसे मैंने बताया था, प्राथमिक नर केंद्रक और एक सेल। प्राथमिक नर केंद्रक और एक सेल के मिलने से क्या बनता था, युग्मनज या जाइगोट। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, युग्मनज या क्या बनता था, जाइगोट बनता था। और उसी प्रक्रिया को हम लोग संलयन या संगैमी कहते थे। और जो द्वितीयक नर केंद्रक होता था वो क्या होता था, दूसरा वाला जो नर केंद्रक होता था वो ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ता था। तो वो ध्रुवीय केंद्रक से जुड़ करके क्या बना लिया करता था, मैंने बताया था, एक त्रिभुज संरचना का निर्माण करता है। और उस त्रिभुज संरचना को ही क्या कहा जाता है, भ्रूणपोष कहा जाता था। तो एक एक पार्ट के रूप में यहां पे आपको क्या किया जाएगा, एक एक पार्ट, जैसे अब एक सेल होगी, वो एक सेल किसमें चेंज हो गई, युग्मनज या जायगोट में। और आपकी, जैसे दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जो ध्रुवीय केंद्रक होता है वो किस में बदल जाता है, तो भ्रूणपोष में बदल जाया किया करता है, भाई यार लास्ट प्रोडक्ट उसका भ्रूणपोष है। और जो नीचे सहायक कोशिकाएं थी, सहायक कोशिकाओं का इतना ही काम होता था कि जब परागनलिका एंट्री करे तो उस परागनलिका को सही डायरेक्शन दें और उसको इंटर करने में सहायता करें बीजांड में। तो आपकी जो सहायक कोशिकाएं होती हैं वो भी आपकी नष्ट हो जाती हैं। और जो प्रति सीमांत कोशिकाएं होती, जो निभाग या चलजा के करीब होती थी, वो भी क्या हुआ करती हैं, प्रति सीमांत कोशिकाएं वो भी आपकी क्या हुआ करती हैं, नष्ट हो जाया किया करती हैं। तो इस तरीके से जो बीजांड में क्या हुआ करता है, परिवर्तन हुआ करता है, जो आपकी एक्स सेल हुआ करती है वो आपके युग्मनज या जायगोट में बदल जाती है। और फिर जो आपका द्वितीयक या ध्रुवीय केंद्रक जो था वो आपका भ्रूणपोष में बदल जाता है। और प्रति सीमांत कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और आपको फिर मैंने बताया था, भ्रूण जो युग्मनज बना है वो युग्मनज विकसित होकर के एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है, भ्रूण का निर्माण करता है। और जो भ्रूण आपका भ्रूणपोष है वो तो जानते ही हो, भ्रूण को सुरक्षा देने का काम या न्यूट्रिशन देने का काम आपका भ्रूणपोष किया करता है। तो इतनी चीज ध्यान दीजिए। और अब हम पढ़ेंगे भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस, यही होता है भ्रूण के विकास की प्रक्रिया। तो इस चीज को पहले हम पढ़ने के पहले हम बीजांड में क्या परिवर्तन है, जो इसकी नोट्स है वो आप देख लीजिए। यहां पे निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड में क्या है परिवर्तन, चेंज ऑफ ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको बताया क्या, आवृतबीजी पौधों में, ज्यादा करके हम आवृतबीजी पौधों की ही बात करेंगे, आवृतबीजी पौधों में निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड में निम्न परिवर्तन होते हैं, इसमें निम्न चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले से ये लिखा गया, हेडिंग बनाकर के लिखेंगे, निषेचन के पूर्व बीजांड का भाग पहले कैसे था वो, और फिर निषेचन के बाद बीजांड का भाग, वो निषेचन की क्रिया हो जाती है तो वो भाग कैसे बदल जाता है, मैंने पहले भी आपको समझा दिया। एक सेल बीजांड की संरचना जिसने सही समझा होगा तो उसको मालूम है, एक सेल जो थी, एक सेल जो हुआ करती है, जो यंग होती है वो युग्मनज में बदल जाती है, और युग्मनज जो होता है वो क्या कहलाता है, जायगोट। और यही युग्मनज आगे चल करके विकसित होकर के किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो का निर्माण करता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और एक सेल किससे मिलती थी, प्राथमिक जो नर केंद्रक
का एक ईयर, दोनों मिल करके 2n का क्या किए थे, निर्माण किए थे। युग्मनज आगे कहाँ जाएगा, भ्रूण में जाएगा। फिर सहायक कोशिकाएं जो आपकी एग एप्रोचेस होती है, एग एप्रोचेस के बगल ही क्या हुआ करती है, सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब इन्होंने पराग नलिका को वीजांड द्वार में एंट्री करा दिया तो ये भी क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। प्रतिसीमांत कोशिकाएं ये भी आपकी डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। और जो अगला हुआ करता है ये आपका द्वितीयक कोशिका ध्रुवी केंद्रक जो होता है, 2n जो है यह भ्रूण पोष, या इसको आप लोग कह सकते हो 3n होता है, क्योंकि 2n इसके पास होता है और जो दूसरा नर केंद्रक होता है उसके पास एक एन होता है। तो दोनों जो 2n मिलते हैं तो, और ये 2n प्लस एन और मिल जाते हैं तो ये 3n स्ट्रक्चर हुआ करता है। ये जो एन है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइफ्लाइट क्रोमोसोम्स। आगे आपको इस चीज मिलने की देखने के लिए, जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि पराग क्रम में गुणसूत्र की संख्या इतनी है तो भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्रों की संख्या होगी, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए जान लीजिएगा ये एन की वैल्यूज आपको मालूम होना चाहिए कि पौधे में या निषेचन की क्रिया के बाद जो जायगोट बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, भ्रूण पोष बन रहा है, ये किसमें गुणसूत्र का नंबर कितना होता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होती है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्या हो गया होगा, इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है उस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए जो कि आपके एकदम बुक की अकॉर्डिंग या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली चीज मैंने बताया कि जब संलयन होता है तो युग्मनज जो हुआ करता है वो जायगोट का निर्माण कर लेता है। अब जो जायगोट हुआ करता है जिसको युग्मनज कहते हो, तो युग्मनज जो होता है निषेचन की क्रिया के बाद जो युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ये जान लीजिएगा। जब भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तो अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या, जब निषेचन की क्रिया होगी तो निषेचन की क्रिया के बाद क्या हुआ करता है, मैंने आपको बताया क्या बनेगा, बताइए यहाँ पे युग्मनज, क्या बनेगा आपका, युग्मनज बनता है। और इस युग्मनज से फिर किसका निर्माण होता है, भ्रूण का, या इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इसी युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की क्रिया को ही कहा जाता है भ्रूणोद्भव, क्या कहा जाता है, भ्रूणोद्भव। ये देखिए भ्रूण प्लस उद्भव, उद्भव मीन्स होता है ओरिजिन या जनरेशन, निर्माण करना, मतलब भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। और ये जो भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया होती है वो किससे होती है, युग्मनज से किसका निर्माण होता है, जब भ्रूण का। तो इस चीज को आप मेरी बात को ध्यान देंगे, इसको इंग्लिश में हम लोग कहा किया करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस चीज को आप लोग कंफर्म करिएगा कि पहले एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या चीज, एकदम कॉन्सेप्ट पे है बेस, जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे होंगे। और हाँ, इसलिए कहता हूं कि आप एकदम स्टेप बाय स्टेप सब टॉपिक पढ़िए, कूद करके बीच में मत आइए, एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको एकदम, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरा एकदम क्लियर होता हुआ आएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, भ्रूण निषेचन की क्रिया के बाद द्विगुणित रचना युग्मनज या जायगोट का क्या होता है, निर्माण होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट अप्लाइड स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस्ड व्हिच आर कॉल्ड जायगोट। अब क्या हुआ करता है, युग्मनज के परिवर्धन से, अब जब यही जायगोट क्या होगा, विकसित होगा, परिवर्धन माने विकास, डेवलपमेंट से भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसी भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा किया करते हैं, हम भ्रूणोद्भव कहा किया करते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पूरा भ्रूण है, और एक आप चाहे इसको कह सकते हो यहाँ पे, तो ये भ्रूण पूरे के बारे में आपको बता दिया और भ्रूणोद्भव के बारे में। और अब यहाँ पे जो ये टॉपिक लिखा गया है भ्रूणोद्भव, या इसी को आप लोग यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूं ऊपर गैस करके, आप वहां पे लिख लीजिएगा जो मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, द्विबीजपत्री के भ्रूण का विकास, ये इसी नाम से एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विबीजपत्री पौधों में जो भ्रूण का विकास हुआ करता है उसकी पूरी मैकेनिज्म समझाइए या क्रियाविधि समझाइए। तो मैं आपको एकदम सीधा सीधा डिटेल आपको ना देकर के एकदम सीधा बता देता हूं, ध्यान दीजिए, एकदम लाइन तो भी आपको मिल ही गई है।
कि युग्मनस भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहा किया करते हैं, भ्रूणोद्भव कहा किया करते हैं। और एक चीज आपको मैं पहले ही बताया था कि भ्रूण के निर्माण से पहले क्या हुआ करता है, भ्रूण पोष बन जाता है। क्योंकि जब भ्रूण का विकास हुआ करता है तो उस भ्रूण को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए भ्रूण पोष का होना आवश्यक है। तो इसीलिए क्या हुआ करता है, भ्रूण से पहले क्या होता है, भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। और जो भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया, भ्रूण के परिवर्धन की प्रक्रिया हुआ करती है, इसमें सबसे पहले जो युग्मनज हुआ करता है उसकी सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। और डिवाइड होकर के युग्मनज जो हुआ करता है, सबसे पहले क्या हुआ करता है, ये गोलाकार होता है। कैसे होता है, गोलाकार। देखिए यहां पे लिखा भी गया है पूरा, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण के विकास के पूर्व भ्रूण पोष का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, क्योंकि वही इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसका निर्माण होना पहले आवश्यक है। और भ्रूण के विकास की एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में ही क्या होती है, समान होती है। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ऐसे पौधे जिसके बीज में दो पत्रक पाए जाते हैं उसको द्विबीजपत्री कहते हैं, और ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल एक पत्रक पाया जाता है उसको एक बीजपत्री कहते हैं। तो जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण का विकास होता है वो लगभग समान होता है, इसीलिए मैंने दो बीजपत्री वाला एकदम आपको समझा दिया है। बस अंतर यही होता है कि अंत में जब दोनों का डेवलपमेंट हो जाता है तो एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्रक रह जाता है, उपस्थित बनता है, और द्विबीजपत्री पौधों में देखिए जैसे यहाँ पे दो बीजपत्रक बना है, ये देखिए बीजपत्र लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे दो बीजपत्रक बनता है और एक बीजपत्री में केवल एक। यही इतना अंतर होता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूण के विकास में। तो यहाँ देखिए भ्रूण के विकास की एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में ही समान होती है। भ्रूण के विकास में या विकास में इसका जो आकार होता है वो आकार जो होता है सबसे पहले कैसे होता है, गोलाकार। ये देखिए आपके सामने जो ये दिखाया गया युग्मनज है, ये इसमें ये सेल है और ये फिर डिवाइड होकर के दो कोशिका बनाया किया करती है, और फिर दो कोशिका में ऊपर वाली जो कोशिका होती है उसको सस्पेंसर या निलंबक कोशिका कहते हैं, और फिर यही निलंबक कोशिका क्या होती है, आगे और बढ़ जाती है, फिर से चार बनेगी, चार से फिर ये आठ बनती है, और जब आठ बन जाती है तो ऊपर एक जो टोपी लाइक स्ट्रक्चर हुआ करती है इसको पुटिका कोशिका कहते हैं, और इसी पुटिका कोशिका के बाद ये पूरा जो ये भाग होता है इसको निलंबक कहते हैं। ये देखिए लिखा गया निलंबक, और नीचे क्या होती है, अधास्पिता कोशिका का निर्माण होता है। यहां से देखिए ये एक है, एक से दो हुआ, दो से फिर चार, इतना स्टेज दिखाया जाता है, और अंत में भ्रूण की कौन सी अवस्था आ जाती है, जो युग्मनज होता है आठ कोष की अवस्था पर आ जाता है, और इसी अवस्था में भ्रूण का आकार कैसा होता है, गोलाकार। कैसा होता है, गोलाकार। और गोलाकार से फिर कैसे हो जाता है भ्रूण, गुच्छिदनुमा, और गुच्छिदनुमा से फिर कैसे हो जाता है, हृदयाकार। ये देखिए आपको हृदयाकार गुणसूत्र कहने मतलब की भ्रूण दिखाई देता है। ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, ये बीजपत्रक है, एक बीजपत्री में यहाँ केवल एक बनता है और द्विबीजपत्री में कितना बन जाता है, दो, और ये निलंबक होती है, और फिर बाद में क्या होता है, यही आपका हृदयाकार गुणसूत्र जो भ्रूण होता है ये विकसित होकर के एक विकसित भ्रूण का क्या कर देता है, निर्माण कर दिया करता है, और इसके ऊपर ये निलंबक है जो इसको पोषण प्रदान करता है, सस्पेंसर जो होता है पोषण देता है, ये जान लीजिएगा भ्रूण पोष से। और ये जो भ्रूण बनता है इसमें दो चीजें होती है, ऊपरी सतह पर क्या हुआ करता है, यहाँ पे मूलांकुर होता है, और निचली सतह पर क्या हुआ करता है, प्रांकुर। समझिए यही भ्रूण का जो हुआ करता है, ये मूलांकुर वाला भाग आगे चल करके किसका निर्माण करता है, जड़ का निर्माण करता है, और प्रांकुर वाला जो भाग हुआ करता है यही डेवलप होकर के किसका निर्माण कर देता है, आपका तने का निर्माण करता है, क्योंकि जो मूलांकुर होता है उससे जड़ का निर्माण होता है, जड़ तंत्र का, और जो प्रांकुर हुआ करता है उससे किसका निर्माण होता है, प्ररोह तंत्र, मतलब स्टेम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो पूरा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नामनक्लेचर में ही किया रहता है डायग्राम का, आप लोग वहां बुक से जाइएगा, देखिएगा डायग्राम को, और बढ़िया सा इसका नामकरण कर लीजिएगा। लैंग्वेज हमने उतनी ही बताई है जितनी की आपकी एनसीईआरटी में बताई गई है, लेकिन इस टॉपिक का डायग्राम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और फैक्ट है आपके लिए। तो एक बार पूरा टॉपिक देख लीजिए, युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव कहते हैं, और भ्रूण के विकास के पूर्व भ्रूण पोष का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है,
और एकदम सीधा सीधा ध्यान देना है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में जो भ्रूण का विकास होता है वो लगभग समान होता है। बस यही होता है कि एक बीजपत्री में एक बीजपत्रक बनते हैं और द्विबीजपत्री में कितने द्विबीजपत्रक बनते हैं। और प्रारंभ में जो युग्मनज होता है जब भ्रूण की तरफ विकसित होना शुरू होता है तो सबसे पहले इसका आकार गोलाकार होता है और फिर इसकी जो कोशिकाएं होती है विभाजित होकर के निलंबक कोशिकाएं बनती है और ये अष्टकोष्ठी अवस्था पर पहुंचता है और फिर ये गोलाकार फिर गुच्छनुमा और अंत में हृदयाकार सूत्र हो जाता है, भ्रूण हो जाता है और हृदयाकार के बाद ये विकसित भ्रूण का क्या कर देता है निर्माण कर देता है। विकसित भ्रूण में दो इंपॉर्टेंट भाग है, एक मूलांकुर और एक प्रांकुर। मूलांकुर जो होता है ये आगे चल करके किसका निर्माण करता है जड़ तंत्र का, और प्रांकुर जो होता है ये विकसित होकर के किसका निर्माण करता है आपके प्ररोह तंत्र का। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो ये भ्रूण होता है इस भ्रूण का आकार कैसे हुआ करता है गोलाकार होता है, गोलाकार के बाद क्या होता है गुच्छनुमा और गुच्छनुमा के बाद कैसा होता है हृदयाकार। पहले ये गोलाकार होगा, गोलाकार के बाद गुच्छनुमा और गुच्छनुमा के बाद कैसे होगा हृदयाकार और हृदयाकार के बाद ये जो आपके सामने डायग्राम बना है ये किसका डायग्राम बना है बताइए विकसित भ्रूण का। ये किसका डायग्राम है आपका विकसित भ्रूण का डायग्राम होता है ये जो आपके सामने जान लीजिएगा। आप बढ़िया सी कॉपी में इसको अलग अलग करके थोड़ा सा दूर दूर गैप बना करके बढ़िया सा इसको विधिवत आप बनाइएगा कॉपी में। तो भ्रूण जो होता है ये गोलाकार फिर गुच्छनुमा और फिर हृदयाकार और अंत में कैसा हो जाता है विकसित भ्रूण हो जाता है। अब ये विकसित भ्रूण होता है मैंने इसी में बताया था कि एक बीजपत्री पौधे के भ्रूणी पक्ष पर एक बीजपत्रक, भ्रूणी अक्ष पर एक है इसका एक्सिस, इसमें कितना है दो है ना ये बीजपत्रक, लेकिन जो एक बीजपत्री होता है उसमें कितना होता है इसी की संख्या एक और दो बीजपत्री में इसी की संख्या कितनी होती है दो। तो यहां पे देखिए एक बीजपत्रक जबकि दो बीजपत्री पौधों में क्या होता है भ्रूणी अक्ष पर क्या होता है द्विबीजपत्रक का क्या होता है निर्माण होता है। और फिर मैंने इस चीज को बताया था कि ऊपरी भाग पर जो खोखला भाग होता है विकसित भ्रूण का वहां पर मूलांकुर पाया जाता है और नीचे जो आधारी भाग होता है वहां पर क्या पाया जाता है प्रांकुर। और जब बीज का अंकुर होता है तो यही मूलांकुर क्या किया करता है जड़ तंत्र का निर्माण करता है और यही प्रांकुर जो होता है वो किसका निर्माण करता है प्ररोह मतलब तने का क्या करता है जो अवायवी भाग होता है जिसमें तना होता है पत्तियां होती हैं शाखाएं होती हैं इन सभी भाग का निर्माण प्रांकुर वाला भाग करता है। तो एक बीजपत्री भ्रूण के ऊपरी खोखले भाग को क्या कहते हैं मूलांकुर कहते हैं तथा आधारी जो बेसल पार्ट होता है जो नीचे का ये भाग होता है इसे क्या कहा करते हैं प्रांकुर कहते हैं। और बीज के अंकुरण के समय मूलांकुर जड़ तंत्र एवं प्रांकुर जो होता है प्ररोह तंत्र का क्या करता है निर्माण किया करता है ये रूट सिस्टम का और वो शूट सिस्टम का क्या करता है निर्माण किया करता है। तो इस तरीके से इस लेक्चर के अंतर्गत आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए जिसमें ये सबसे बड़ा डायग्राम यही है और बाकी चीजें तो आप एकदम सीधा समझ रहे हो। नॉर्मली जो नॉर्मली समझने वाली चीज ये कि भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को भ्रूण उद्भव कहते हैं, एक बीजपत्री में द्विबीजपत्री में लगभग समान होता है और जब भ्रूण का विकास होता है तो सबसे पहले वो गोलाकार फिर गुच्छनुमा फिर हृदयाकार और फिर एक विकसित भ्रूण का निर्माण कर लेता है। और एक बीजपत्री में भ्रूण के विकसित भ्रूण के एक बीजपत्रक बनते हैं और द्विबीजपत्री में कितने द्विबीजपत्रक बनते हैं ये बता दिया। और जो विकसित भ्रूण होता है उसके ऊपरी खोखले भाग को मूलांकुर कहते हैं और आधारी भाग को प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़ तंत्र बन जाता है और प्रांकुर से प्ररोह तंत्र बन जाता है। तो आई होप एकदम विधिवत टॉपिक आपको कंफर्म हो गया होगा। आज आपको मेरे लेक्चर के अंदर जो भी टॉपिक बताए इसकी आप एक बढ़िया सी नोट्स बनाइए और बढ़िया तरीके से इसको लिखिए और याद कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।